नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के झिलझिली पंचायत में। ये जो सर जी ने आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आफाक आलम जी यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। ऐसे तो यहाँ की मुखिया होती है निशात अफजल जी, और 1819 में होंगे इनके चुनाव जीते हुए। इन बीते वर्ष में उन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज चैनल में। मेरे ओर से सबको सलाम नमस्कार। सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकार में कटौती की जा रही है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत को काम करने के लिए टाइट और अनटाइट में बांट दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत को काम करने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान गांव का देश है, और गांव का विकास के लिए वहां के प्रतिनिधि मुखिया लोगों को वहां का पूरा मालूमात है कि यहां कौन कौन चीज की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से टाइड और अनटाइड का परसेंटेज को खत्म किया जाए। हमारे पंचायत में 18 माह जीतने का हो गया, जिसमें से रोड 15 वार्ड है, 15 वार्ड में कम से कम 30 रोड और गली भी हैं, जिसको आज तक मुकम्मल नहीं किया गया है। सिर्फ 4 रोड हुआ है, 3 नाला हुआ है, यही यहाँ का विकास हो रहा है। और तो जी, ग्राम पंचायत को जितना अधिकार दिया गया है, उनको ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से सौंपा जाना चाहिए, और ग्राम सभा और आम सभा में जो पारित किया जाए उसको सरकार उसी के मुताबिक उस काम करने दिया जाए, उसमें हस्तक्षेप न करें। जी, ये थे मुखिया जी यहाँ के। इनके पंचायत की जो समस्या है इन्होंने बताया, ये सरकार की जो दोहरी नीति है उससे ये लोग नाखुश हैं। ये चाहते हैं इस पंचायत की ये प्रधान है और प्रधान के हिसाब से ही पंचायत का विकास हो, क्योंकि धरातल पे यहाँ के मुखिया रहते हैं। आइए जानते हैं और क्या क्या बातें हैं मुखिया जी की। मनरेगा में भी आज काम हो नहीं पा रहा है, हर एक काम में, ये गांव का देश है और हर जगह नेटवर्क नहीं है, क्योंकि मनरेगा में एमएस का प्रयोग राज में मजदूरी के हित में है। आज भी ग्राम पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, सरकार इसका निदान करें। मनरेगा में मजदूरी दर निम्न है, जिसको बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पात्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। मैंने यह 18 माह में अब तक इंदिरा आवास सिर्फ 450 व्यक्ति का लिस्ट में 70 ही व्यक्ति को दे चुका हूं। आपने सुना, जब से ये मुखिया बने हैं सरकार की जो ये लापरवाह स्थिति है सबसे बड़ी। ये भारत जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है और ये गरीबों का देश है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आवास, प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, काफी ऐसे जिनके पास आवास नहीं है, मैं चाहता हूं कि उसे आवास मिले, और मुखिया जी भी चाहते हैं। मुखिया जी का कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इस चीज पे विशेष ध्यान दे और इनके अधिकार को लेकर के मुखिया जी के ही सहयोग से यह विकास का कार्य हो। जी मुखिया जी, बोला जाए। हमारा देश गांव का देश है, इसमें अधिकतर लोग 80% लोग किसान हैं और मजदूर हैं। इनको मजदूरी जमाना के हिसाब से दिया जाए, जो मनरेगा में नहीं मिल पा रहा है। आवास यहाँ के लोगों को
जरूरी है, आज तक आवास मुकम्मल नहीं हुआ है। शौचालय भी आज तक 40% को मिला है, 60% गायब है। और कबीर अंतुष्टि भी बहुत देर से मिला है, 5 साल के बाद मैंने माप, अब तक 18 माह में 30 व्यक्ति को ही दे पाया, बाकी का आज तक ड्यू ही चल रहा है। जी मुखिया जी की समस्या सुने आप, सरकार की जो ये दोहरी नीति है इनसे ये काफी नाखुश हैं और ये सरकार को सीधे रूप में संदेश देना चाहते हैं। हाल में ही सरकार की जो ये दोहरी नीति की गई है इनसे लोग काफी नाखुश हैं और विकास जो है ये कर नहीं पाते हैं। आइए और क्या क्या समस्या है मुखिया जी से जानते हैं। मुखिया जी 18-19 में आपके चुनाव जीते हुए हो गए, थोड़ा सा विकास के मुद्दे पे आते हैं, अपने 15वीं और सस्टम मनरेगा से क्या क्या विकास का कार्य किया है? हमने सस्टम से 2 रोड बनाया है, 3 नाला भी बनाया है और 15वीं से 1 छठ घाट का निर्माण किया है, WPU का निर्माण हो रहा है, 1 सड़क PCC सड़क बना है और 1 पेवर ब्लॉक भी हुआ है। जी ये थे अफाक आलम जी, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। इनके पंचायत की समस्या आपने सुना, क्या क्या किस प्रकार की समस्या है पंचायत में और ये सरकार के जो दोहरी नीति की गई है और कितने दुखी से ये बयान दे रहे हैं कि सरकार मुखिया जो होते हैं वो पंचायत के प्रधान होते हैं और आप पूरे बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी और आप मुखिया पे विशेष ध्यान दें। हाँ, सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक ध्यान देकर इसको आगे बढ़ाए। मेरा हिंदुस्तान गांव का देश है, जब तक गांव डेवलप नहीं होगा हिंदुस्तान डेवलप नहीं कर सकता है, इसलिए गांव पर अधिक से अधिक सरकार ध्यान दे। जी आपने सुना यहाँ के कार्यवाहक के द्वारा इन पंचायत में कितनी समस्या है।